नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में बुधवार को 172,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,59,000 लोग ठीक भी हुए, जबकि 1,005 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले मंगलवार को 161,000 केस नए मिले थे। देश में कल पॉजिटिविटी रेट 10.99% दर्ज की गई। इससे एक दिन पहले मंगलवार को पॉजिटिविटी रेट 9.26% था। सोमवार से ही देश में 2,00,000 से कम नए केस मिल रहे हैं। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15,33,000 है, जिन्हें पिछले दिनों के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या में करीब 89,392 की कमी हुई। राजस्थान में इस बार जनवरी महीने में ठंड पड़ने से 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18 दिन शीतलहर चली, घने कोहरे ने भी जनजीवन प्रभावित किया। 7 दिन बारिश ओलावृष्टि भी रही। मौसम विभाग ने कम सर्दी पड़ने का दावा किया था। इस बार रात के साथ साथ दिन में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। जयपुर मौसम केंद्र के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा की माने तो तेज सर्दी के पीछे कारण इस बार लगातार और स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ रहा। राजस्थान में एक के बाद एक चार पश्चिमी विक्षोभ आए, इसके कारण बारिश भी ज्यादा हुई। यही कारण रहा कि जयपुर समेत राज्य के कई जिलों में जनवरी के 31 दिनों में 18 दिन कोल्ड डे के रहे, यानी यह दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से भी नीचे रहा। वही खबर दौसा से, जहां रीट परीक्षा के पेपर लीक होने की निष्पक्ष जांच करवाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धरने के दौरान पुलिस द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया समेत भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। जिला अध्यक्ष गोपाल माली, जिला परिषद सदस्य दिलीप सिंह मांडानी, किरण राजपोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। बंदीकुई में विधायक गजराज खटाना द्वारा गुड्डा रोड सिंचाई विभाग में थला की ढाणी तक सड़क का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अनेक उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा बेरवा व नगर पालिका उपाध्यक्ष राजेश शर्मा व नगर पालिका ईओ पीडब्ल्यूडी एएन व पूर्व सीएमएचओ ओपी बेरवा मौजूद रहे। रायशनगर की ओनार बेटी का सीआरपीएफ में चयन हुआ। वार्ड नंबर 17 की रायशनगर की बेटी सुनीता पुत्री स्वर्गीय जगदीश वर्मा चयन होने से परिवार में खुशी का माहौल। चयनित होनहार बेटी के चाचा भुजराज वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरू से ही पढ़ाई में होनहार सुनीता ने अपने मजबूत इरादों से सीआरपीएफ में चयन हुआ है। गौरतलब है कि सीआरपीएफ में चयन होने के साथ ही परिवार के सदस्यों द्वारा मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। आर्थिक तौर पर कमजोर होने के बावजूद भी अपने मजबूत इरादों को कमजोर होने नहीं दिया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई की जांच को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जयपुर में धरने पर बैठे भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को गिरफ्तार करने की निंदा की व सरकार के तानाशाह रवैये को देखते हुए प्रदर्शन भी किया। वही भवानी सिंह, राज शर्मा, मुदित बाधानी, अनमोल मोदी, वीर मनीषा शुभकर्ण सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नागौर की ग्राम पंचायत के गांव चिला में गोसाई महाराज के मंदिर में जागरण का आयोजन किया। पुजारी प्रभु राम मेघवाल ने बताया कि जागरण गणपति वंदना से शुरू हुआ, बाद में प्रहलाद राम मेघवाल, जगदीश रेवत दान ने अपनी पार्टी के साथ भजन प्रस्तुत किए। इस मौके पर पूर्व सरपंच जोगीदान चारण, सरपंच बुदाराम और वहीं गणेश पारिक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। हर साल पूरे गांव के ग्रामीण मिलकर जागरण का आयोजन करवाते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आगरा में पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने जमकर विपक्ष से निशाना साधा। वहीं भाजपा जातिवादी तानाशाही सरकार है, भाजपा दलित आदिवासी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दलितों के साथ भेदभाव का काम करती है। कुछ जातिवाद वाली मीडिया ने बसपा की छवि खराब की है। बसपा ने गरीबों को मकान दिए, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने मकान दिए, आपको कहीं नजर आते हैं, मायावती ने कहा। वहीं 2007 की तरह बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।
जलीलपुर क्षेत्र में वन विभाग द्वारा विश्व वैलेंटाइन दिवस मनाया गया। इसमें निबंध, चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर बच्चों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया। चांदपुर रेंज की हरिनगर की झील में ले जाकर बच्चों को आर्द्र भूमि व पशु पक्षियों की जानकारी देकर उन्हें बचाने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं वन रक्षक हरिंदर सिंह ने वनों व वनों से लाभ, पर्यावरण, आर्द्र भूमि संरक्षण की वाक्यांश देकर उनका प्रबंधन के बारे में बताया। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ पुलिस ने पटेल कारखाना के पास छापा मारकर अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में नाजायज हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। इस बात से भी इनकार किया नहीं जा सकता कि चुनाव में दहशत फैलाने के उनका प्रयोग किया जाना है। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों ने बताया है कि चुनाव में हथियारों की डिमांड बढ़ी। वहीं पुलिस आरोपियों को सुसंगत धाराओं में जेल भेज दिया। रायबरेली के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर जामो कोल्ड स्टोरेज के पास से ट्रक की टक्कर से 4 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गदागंज कोतवाली के जलालपुर धई गांव निवासी निरंजन मौर्य की पत्नी सविता अपनी 8 वर्षीय बेटी माही व 4 वर्षीय बेटी महिमा अपने दादा सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ बुधवार को शाम बाइक से क्षेत्र गंगा बिशनपुर गांव में रिश्तेदार के रंजीत के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे। तभी पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे बाइक पलट गई और 4 वर्षीय महिमा ट्रक के नीचे आ गई जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के सोलन जिले में एक दिन पहले हुई पुलिस कंट्रोल रूम में 100 मीटर की दूरी पर मोबाइल शॉप से दर्जनों मोबाइल चोरी की घटना को लेकर शोपुर पुलिस को 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। 4 घंटे के अंदर चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने पर मोबाइल दुकानदार विष्णु वैष्णव के साथ शोपुर जिले की जनता ने पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानी और समस्त पूरी टीम को माला व श्री फल देकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया। बीजेपी और सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की ओर से रीट पेपर लीक और धांधली की सीबीआई जांच से मांग पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा। एसओजी की बहुत बढ़िया जांच हो रही है, कई बीजेपी नेताओं ने भी जांच की तारीफ की। खाचरियावास ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सारा मामला एसओजी ने खोला है तो क्या हम सारा श्रेय सीबीआई को दे दें। अब तक सीबीआई को भी जांच दे दी गई। वहीं बीजेपी वाले बताए गए उनमें से अब तक क्या किया। बीजेपी नेता इस मुद्दे पर मेरे साथ बहस करे, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री और पूरी सरकार किसी भी कीमत पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एक भी अपराधी नहीं बचेगा, क्या रीट का एग्जाम रद्द होगा या नहीं, इस पर सवाल पर मंत्री खाचरियावास ने कहा कि मुख्यमंत्री ने परीक्षा को लेकर बोला है कि 1 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, सारा मामला खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं, अब क्या करना है वो तय करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।